हेलो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिजाइन की लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना बताऊंगी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने येलो और रेड लिया हुआ है। आप अपनी पसंद का कोई भी इसमें कलर लगा सकते हैं। इसके लिए ये 10 नंबर सिलाई ली हुई है। तो ये हम 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही आसान सी और बहुत ही ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाना बताएंगे, जो बनाने में बिल्कुल आसान है, जिसे आप बिगनर्स भी आराम से इसको बना सकते हैं और आसानी से बन जाती है और बहुत ही जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाती है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस आपको कैसी लगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं बहुत ही इजी तरीके से। सबसे पहले मैं येल्लो कलर से फंदे डालूंगी। तो ये हम 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर हम 18 फंदे डाल लेते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैं 18 फंदे यहाँ पे डालूंगी। बिल्कुल आसान तरीके से आपको फंदे भी बता रही हूँ। ये देखिए, अंगूठे पे इस तरह से लपेटें धागे को, 3 उंगलियों से पकड़ रखा है और ये धागे को इस तरह से घुमाएं सिलाई के ऊपर से और इसको इस तरह से गिरा दें। तो इसी तरह से 18 फंदे यहाँ पर डाल के कम्प्लीट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने 18 फंदे डाल लिए हैं और ये 2 से 3 नंबर कान्हा जी के लिए आपको बता रहे हैं। और यहाँ पर 18 फंदे डाल के इस तरह से बुन लेंगे उल्टा उल्टा। ये देखिए, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल सा आपको ये पैटर्न बता रहे हैं। आप इसमें डिजाइन भी बना सकती हैं, मैं आपको पर सिंपल ही बता रही हूँ। जिन्हें नहीं आता है वो भी आराम से इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसी तरह से ये 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, तो ये मैं 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करूँगी। इसके बाद आपको रेड कलर लगाएंगे। तो यहाँ पे आप बॉर्डर भी बना सकते हैं, एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा, इस तरह से बॉर्डर भी आप बना लें। मैं यहाँ पे उल्टी सिलाइयाँ बना रही हूँ। ये देखिए, तो दूसरी सिलाई को बना लेते हैं। और उल्टी तरफ से अपना इसमें रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए, और ये 2 से 3 नंबर को काना को आराम से ये आ जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए, 2 सिलाइयाँ यहाँ पे बना ली हैं, यानी कि दोनों तरफ की 3 सिलाइयाँ यहाँ पे मैंने पीछे धागा करेंगे, लास्ट का फंदा सीधा बनाएंगे। ये देखिए, यानी कि दोनों तरफ की 3 सिलाइयाँ हो चुकी हैं और चौथी सिलाई पे अपना ये हम रेड कलर लगाएंगे। ये देखिए, तो इसको मैं लगा के उल्टी सिलाई को बना लेती हूँ और सीधी पे आपको फिर से दिखाऊंगी। धागे को जब भी आप धागा दूसरा लगाएं तो धागे को इस तरह से फंदों के बीच में ले लें, ताकि आपका धागा खिसके नहीं। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं हूँ सीधी सिलाई पे। सीधी सिलाई पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 फंदे मैंने बना लिए हैं। इसके बाद हम 2, 4, 6, 8 फंदे इधर बनाएंगे। 2 फंदों पे मैं यहाँ पे जाली बनाऊंगी। आप 2 फंदे सीधे भी, ये देखिए, धागा अपनी तरफ है और यहाँ पे ये देखिए, इस तरह से एक धागा अपनी तरफ कर लिया, फिर दूसरे फंदे पे जाली बना लिए इस तरह से। धागे को ज़्यादा नहीं टाइट रखें, धागे को थोड़ा टाइट ही रखें, ना ज़्यादा ढीला और ना ज़्यादा। तो आगे के 8 फंदे हम बुन लेते हैं। ये देखिए, 3, 4, 5, 6, 7 लास्ट का फंदा 8। ये देखिए, अब यहाँ पे हम ये रेड कलर की 2-2 सिलाइयाँ हर कलर में बनाएंगे। ये देखिए,
इस तरह से हमने उल्टी सिलाई बना ली है। फिर से हम सीधी सिलाई पे हैं तो पहला फंदा उतारेंगे और धागा अपनी तरफ करके यहाँ पे ये देखिए तीन तीन चार पाँच छ सात और ये आठ और ये देखिए नौवां फंदा भी हम बनाएंगे जो बढ़ चुका है। नौवां फंदा ये बना लिया है। अब बीच वाले फंदे पे ही हम जाली बनाएंगे तो देखिए किस तरह से ये देखिए धागा अपनी तरफ है। ये देखिए धागा अपनी तरफ कर लेंगे, चाहे पीछे से भी आप बना सकते हैं इस तरह से। ये देखिए आगे के नौ फंदे हम बुन लेंगे इस तरह से। अब अपना येलो कलर लगाएंगे तो दोनों कलर से मुझे दो दो सिलाइयां बना के इसको आठ जालियां बना लेनी है यहाँ पे। ये देखिए तो आठ जालियां हम यहाँ पे बनाते हैं, इसके बाद आपको फिर से दिखाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आठ जालियां बना ली हैं। यहाँ पे मैंने टोटल आठ जालियां बना ली हैं। तो यहाँ पे ये देखिए दो चार छः आठ। अब ये देखिए मैं हूँ उल्टी तरफ, तो उल्टी तरफ से हम यहाँ पे एक नए डिजाइन का बना रहे हैं, आपको नए डिजाइन का बता रहे हैं। तो यहाँ पे बाजू के लिए मैं फंदे घटाऊंगी तो देखिए किस तरह से फंदे हमने घटाने हैं। ये धागा हम इस तरह से पकड़ लेंगे और यहाँ पे ये देखिए दो का एक बनाएंगे। तो एक फंदा घटाया, वापिस सिलाई में डाला और यहाँ पर दो फंदे घटाए, वापिस सिलाई में डाला, तीन फंदे घटाए वापिस सिलाई में, चार फंदे घटाए वापस सिलाई में और ये देखिए पांच फंदे। तो यहाँ पे टोटल पांच फंदे मैंने बाजू के लिए घटा दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ के पीठ वाले फंदे बना लेते हैं। तो दो बीच के फंदे साइड में पांच फंदे छोड़ेंगे, लास्ट के पांच फंदे घटाएंगे फिर से। तो देखिए किस तरह से, ये देखिए इस तरह से। अब हम पांच फंदे इस साइड के घटा लेंगे, ये देखिए दो चार और ये देखिए। अब यहाँ पे ये पांच फंदे मैं घटा देती हूँ। तो देखिए एक घटाया सिलाई में डाला, दूसरा घटाया सिलाई में डाला, तीसरा घटाया और ये चौथा घटा दिया। अब ये देखिए यहाँ पे हम धागे को कट कर लेंगे और यहाँ पे इस तरह से धागे को कट करते हुए सिलाई से निकालेंगे, फंदे से निकालेंगे सॉरी। ये देखिए इस तरह से, तो दोनों साइड के फंदे हमारे ये देखिए इस तरह से घट चुके हैं बाजू के लिए। अब हमने यहाँ पे कोई जाली नहीं डालेंगे, हम अपना वापस रेड कलर लगाते हुए ये देखिए दो सिलाइयाँ यहाँ पे उल्टी उल्टी बना लेंगे। ये देखिए तो दो सिलाइयाँ यहाँ पे मैं ये रेड की बिना जालियाँ डालते हुए बना लूँगी। यहाँ पे जाली नहीं डालेंगे, बीच वाला जाली वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से यहाँ पे जाली नहीं डाल ली हूँ और ये जाली वाला फंदा सीधा बना लेती हूँ और ये दो सिलाइयाँ इसी तरह से बना के कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए मैंने यहाँ पे बाजू घटाने के बाद दो सिलाइयाँ इसी तरह से बना ली हैं, ये देखिए उल्टी उल्टी। अब इसके बाद हम फिर से जाली बनाना शुरू करेंगे। दो सिलाइयाँ बनाने के बाद हमने वापस अपना कलर लगा दिया है, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं फिर से जाली डालूँगी तो आठ जालियाँ ही फिर से मैं नीचे डालूँगी इसमें। तीन से दो नंबर कान्हा जी को आराम से ये आ जाएगा। तो देखिए मैं इसको जाली वाले फंदे पे हूँ तो फिर से मैं जाली डाल ली हूँ इसी तरह से, ये देखिए। और यहाँ पे आठ जालियाँ बना के कंप्लीट करते हैं इसी तरह से और इसके बाद आपको
फिर से दिखाएंगे। बिल्कुल आसान है, बाजू घटाने के बाद दो सलाइयाँ बना ली हैं, इसके बाद फिर से ये आठ जालियाँ बनाई हैं, नीचे आठ जालियाँ बनाएंगे। तो ये हम घेर वाला अच्छा सा लंबा सा बना रहे हैं पोंचू। ये देखिए बहुत ही सुंदर लगेगा। तो देखिए मैं बना के इसको आठ जालियाँ नीचे कंप्लीट करती हूँ, दो दो सिलाइयाँ इसी तरह से बनानी है। तो मैं बना लेती हूँ इसको, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने नीचे भी आठ जालियाँ ये बना के कंप्लीट कर ली हैं। तो यहाँ पे ये हमारा पार्ट बन के कम्प्लीट है। अब ये दो सिलाइयाँ मैं बिना जालियों के बनाऊँगी। तो देखिए किस तरह से उल्टी उल्टी सिलाइयाँ हम दो बना लेंगे इसको। ये देखिए यहाँ पे ये दो सिलाइयाँ हम उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पे मैं कोई जाली नहीं डालूंगी, इसी तरह से दो सिलाइयाँ उल्टी बना लेते हैं इसी कलर से। ये देखिए, तो ये मैं दो सिलाइयाँ बनाती हूँ इसी तरह से, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो सिलाइयाँ बनके कंप्लीट हैं। इसके बाद हम सारे फंदे यहाँ पे अब बंद करेंगे। तो यहाँ पे किसी भी तरह का आप बॉर्डर बना सकती हैं, किसी भी तरह से आप फंदे यहाँ पे कंगूरा वाला भी आप बॉर्डर बना सकती हैं। तो यहाँ पे हम ये देखिए, मैं आपको एक फंदे वाला ही बता रही हूँ। तो देखिए इस तरह से एक फंदा बुना, दो बार बुना एक ही फंदा, और ये तीसरी बार बुन लिया। छोटा छोटा ही हम बना रहे हैं। अगर आपने और भी ज़्यादा बड़ा छः बार भी बुन सकते हैं, सात बार भी इस तरह से आप बुन के इसको बना लें। तो ये मैंने तीन बार बुन लिया है और यहाँ पे दो फंदे मैं बंद करूँगी, एक दो। तो एक ही फंदे को एक बार बनाया, थोड़ा टाइट ही बुनना है, दो बार बनाया और ये तीन बार, एक ही फंदे को तीन बार क्रोशिया की तरह चैन बना ली है। और ये देखिए इस तरह से दो फंदे हम यहाँ पे बंद करेंगे। तो एक बार बनाया और ये दो बार बनाया और ये तीन बार, तीसरी बार बना के यहाँ पे दो फंदे हम घटा देंगे, एक दो। इस तरह से ही मैं इसको यहाँ पे एक बार बनाया, दो बार बनाया और तीन बार, एक फंदे को तीन बार बनाया है, वापस सिलाई में डालेंगे और दो फंदे यहाँ पे घटाएंगे, एक और ये दो। तो इसी तरह से सारे फंदे मैं बंद कर लेती हूँ। ये देखिए छोटा छोटा ये इस तरह से बना लेती हूँ, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सभी फंदे हमने बंद कर दिए हैं। इस तरह से ये हमारा कंगूरा बन गया है। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से मैं दूसरा पार्ट इसको बना के कंप्लीट करूंगी और इसके बाद आपको फिर से दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूसरा पार्ट भी बना के कंप्लीट है। इस तरह के आप दो पार्ट बना ले और बहुत ही आसानी से ये बन जाते हैं। और अच्छे से अब मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैंने सिलाई करनी है। ये देखिए, आप इस तरह से दोनों पार्टों को रख लें और ये देखिए इस तरह से फोल्ड कर ले। तो ये मैंने सीधी तरफ अंदर की तरफ है और उल्टी तरफ से हम इनकी सिलाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से ये इस तरह से मुद्दे सिल लेती हूँ और यहाँ पे फिर बाजू को छोड़ते हुए कोई भी धागा लेके आप, यहाँ पे सुई में मैंने धागा डाल लिया है। तो ये देखिए मैं यहाँ से सिलाई कर रही हूँ। तो कोई भी धागा लेके आप इस तरह से सिलाई कर लें, हर चैन से निकालते हुए इनको सिल लें। तो बहुत ही सुंदर बनके कंप्लीट हो जाता है और बहुत ही आसानी से हमने इसको बनाया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये देखिए हर चैन से निकालते हुए मैंने सिल लिया है इसको और बाजू को मैं छोड़ दूंगी। तो ये मैंने बिल्कुल आपको नए डिज़ाइन का बताया है। ये देखिए, अब यहीं पे हम बाजू को छोड़ेंगे और यहाँ से इतना इसको सिल लेंगे। तो ये बाजू मैं नहीं सिलूंगी और यहाँ पे देखिए इसको सिलते हुए यहीं पे हम नॉट लगा देते हैं और धागे को। ये देखिए,
तो धागे को कट कर लेती हूँ और फिर से मैं आपको आगे का बताती हूँ किस तरह से दूसरी साइड भी हमने इसी तरह से सिलना है। तो देखिए हम यहाँ से यहाँ तक इसको बाजू को छोड़ते हुए मैं ये देखिए यहाँ से सिल लूँगी। अब तो इसको भी हर चैन से निकालते हुए इसी तरह से सिल लेते हैं और दूसरी साइड का भी हमने इसी तरह से सिलना है। तो मैं इसको सिल लेती हूँ, इसके बाद आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा ब्यूटीफुल सा पोंचू बनके कंप्लीट है। आप इसे ड्रेस के ऊपर से भी, सिंपल ड्रेस डाल के ऊपर से भी आप इसको लड्डू को पहना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे ये बाजू हो गई है, ये देखिए इस तरह से दोनों तरफ, ये देखिए अच्छे से ये बन चुका है। ये देखिए अब इसके ऊपर यहाँ पे कोई भी आप बटन वगैरह कोई भी कलर का जो भी आपको पसंद है आप इस तरह से सुई की मदद से लगा ले। ये देखिए इस तरह से, तो अच्छे से हमारी ये ड्रेस बनके कंप्लीट है। इसके साथ की आपको अगली वीडियो में कैप बताने वाली हूँ। तो देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है और आप ड्रेस के ऊपर से भी इसको डाल सकते हैं, किसी भी तरह से पहना सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो आपको प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये प्यारी सी ड्रेस आपको लड्डू की कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।